बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन एंड शेयर। हम टॉपिक पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजबरा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन से। लेट टी फ्रॉम आर एन टू आर एम, ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रॉम अ सेट आर एन टू अ सेट आर एम इज अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज टी ऑफ यू इज इक्वल टू ए यू, कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन, वेयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो मैं आर एन एक कोई भी डायमेंशन है, लेट सपोज ये आर टू हो सकती है, उससे मैं किसी भी डायमेंशन में जाना चाहता हूँ। लेट सपोज ये आर थ्री हो सकता है, तो मैं आर टू से आर थ्री में वैक्टर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी टी ऑफ यू इज ए यू। ए जो है वो एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा एम बाय एन। तो अगर ये आर टू से आर थ्री है तो इसका ऑर्डर होगा थ्री बाय टू। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आर फोर से आर टू है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी ए मैट्रिक्स होगा जिसकी वैल्यू होगी टू बाय फोर। ओके, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। कन्वर्ट 10, 6, 4 इंटू 20, 15, ये एक वेक्टर गिवन है 10, 6, 4, इसको मैंने कन्वर्ट करना है 20 और 15 में। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज आर थ्री टू आर टू, पहला जो वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट हैं आई जे और के, 10i, 6j और 4k, इसको मैंने कन्वर्ट करना है आर टू में दैट इज 20 एंड 15। तो ए जो है उसका ऑर्डर होगा 2 बाय 3, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 2 बाय 3। डेफिनेशन है टी एफ यू इज ए यू। तो ये वेक्टर जो है स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये यू गिवन है, यू जिसको मैंने कन्वर्ट करना है दैट इज 10, 6 और 4, ये मैंने टी एफ यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आगे था इज इक्वल टू ए यू, ए मुझे पता है उसका ऑर्डर क्या होना है 2 बाय 3 होना है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है यू के साथ। अब ये मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं ये कैसे लिखी हैं कि 200, 1.500, तो ये मैट्रिक्स में ये टोटल 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आप इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखनी है, मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए 20, जिसमें मैंने इसको कन्वर्ट करना है। आंसर चाहिए मुझे 20 फर्स्ट कंपोनेंट। तो मैं देखूंगा कि ये जो वेक्टर है मेरे पास u, इस वेक्टर में मैं किस एलिमेंट को, किस नंबर को, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 20 मिल जाता है। सॉरी, तो अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 20 आ जाता है। तो ये जो 10 है ये फर्स्ट नंबर है, तो ए का फर्स्ट एलिमेंट मैं 2 लिख दूंगा। क्यों कह रही, फिर मुझे जो है वो 15 चाहिए। अब मैं देखूंगा कि मैं इस इन नंबर्स में से किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। तो मैं 10 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 15 आ जाता है। तो 10 अगेन फर्स्ट नंबर पे है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1.5 लिख लूंगा, बाकी जो नंबर हैं वो 0, 0 आ जाएंगे। आप जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 6 को भी किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप 20 बना सकते हैं तो वो नंबर लिख लें, लेकिन वो नंबर यहाँ पे क्योंकि 6 सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर जो है वो आएगा। सिमिलरली अगर आप 15 किसी और नंबर से 6 को या 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर आपको 15 मिल जाता है तो वो आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन के हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमने देखी ना 10 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिल गया, और 15 लेना है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो मैंने फर्स्ट वाला नंबर जो है वो 2 लिखा, और 15 के लिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड रो के लिए फर्स्ट नंबर जो है वो 1.5 लिखा। ठीक हो गया जी। तो मतलब आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए यहाँ से पे 20 चाहिए, तो आप फर्स्ट रो में एलिमेंट्स की एंट्री करेंगे। आपको अगर आपको जो है वो सेकंड एलिमेंट चाहिए तो आप सेकंड रो में एलिमेंट्स की एंट्री करेंगे।
ओके ओके जी, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। कन्वर्ट 3 4 इंटू 2 5 12 30। मेरे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम R2 से R4, जो मैं जिसको कन्वर्ट करना है उसके दो कंपोनेंट हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके चार कंपोनेंट हैं। तो R2 से R4 है, देन ऑर्डर ऑफ A इज 4/2। ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, जो सेकंड वेक्टर है इसकी चार रोज हैं तो मुझे चार रोज चाहिए, और जो सेकंड है वेक्टर जिसको कन्वर्ट करना है उसकी दो रोज हैं तो इसके दो कॉलम्स होंगे ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है और ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे जो ये है ये मल्टीप्लाई होगा, मुझे पहला नंबर जो है वो चाहिए 2। अब ये 3 और 4 हैं, इन 3 और 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो अगर मैं 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर विल बी 2। ठीक हो गया नहीं, 4 जो है मैंने फर्स्ट रो की एंट्री लिखनी है, तो 4 एज सेकंड पोजीशन पे है तो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर जो है 1.1/2 मीन्स 0.5 आएगा, और फर्स्ट नंबर मैंने 0 लिख दिया। सिमिलरली मुझे जो है वो 5 चाहिए। अब मैं इनमें से किस नंबर को 3 को या 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, मुझे जो है वो 5 मिल जाएगा। तो मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5/3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5/3 आ गया और दूसरा 0। थर्ड मुझे 12 चाहिए, मैं इनमें से किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ या 4 को 3 से तो मुझे 12 मिल जाता है। तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 3 फर्स्ट कंपोनेंट था तो फर्स्ट वाला 4 आ गया, अगला सेकंड जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मुझे 30 चाहिए, 30 चाहिए तो मैं 3 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे 30 मिल जाता है। 30 फर्स्ट नंबर पे है तो फोर्थ रो जो है वो उसका फर्स्ट एलिमेंट 10 आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो 0। तो इस तरह से अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये 2, 5, 12 और 30 मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है दैट इज ऑफ शेयर रिलेटिव फ्रॉम R2 से R2 डिफाइंड एज टी ऑफ यू इज इक्वल टू 1K01 इनटू यू इज कॉल्ड शेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ के यूनिट। शेयर हम कहते हैं खिंचाव को, अगर आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो खिंचाव पैदा करना है तो किसी भी वेक्टर में या किसी भी स्केयर में, तो ये इस तरह से आप आपके पास जो मैट्रिक्स है जिसके साथ आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 1K01। इसमें K की वैल्यू क्या, आप कितना उसमें शेयर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो K की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। सिमिलरली जो है वो मेरे पास अगर वाई एक्सिस के पैरेलल शेयर फाइंड करना है तो उसके लिए डेफिनेशन होगी टी एफ यू इज इक्वल टू 10K1 इंटू यू इज कॉल्ड शेयर पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ के यूनिट। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ए मैट्रिक्स, ये आपके पास ये मैट्रिक्स है 10K1, इसमें के जितना हम वाई एक्सिस के लॉन्ग शेयर प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो यहाँ पे मैं के की वैल्यू वाई पुट करूँगा और उसको यू से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया जी। तो हमारे मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड शेयर इन अ स्क्वायर हुज वर्सेस आर 0, 0, 3, 0, 0, 3 and 3, 3 ऑफ टू यूनिट्स पैरेलल इन एक्स एक्सिस। दो यूनिट फाइंड करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो हेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हेयर के इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास डेफिनेशन है टी ऑफ यू 1K01 इंटू यू, तो इसमें मैं के की वैल्यू 2 पुट करूँगा और उसको बारी बारी ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद, इसको मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में लिखने के बाद बारी बारी मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, पहले मैंने 0, 0 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने के की वैल्यू जो है वो 2 पुट की है और इसको 0, 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स मेरे पास 3, 0 था, उसको मैंने 1, 2, 0, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो मेरे पास है 0, 3, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1, 0, 2, 1, 2 और 0, 1 के साथ तो मेरे पास जो आंसर है वो आएगा 3, 6, 3। सिमिलरली मैं इसको 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 9, 3 है।
तो ये जो मेरे पास आंसर्स आए हैं लेफ्ट साइड पे, इनको आप देख सकते हैं। अब ये जब हम इनको ड्रा करेंगे तो ये फैक्टर में, हर एक फैक्टर में शियर प्रोड्यूस हो चुका होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफिकली आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये जो ओरिजिनल ग्राफ था स्क्वायर, वो नीचे, इसके नीचे है, ग्रीन कलर के नीचे है, जो कि गिवन था मुझे। और इसको जब मैंने शियर फाइंड किया तो ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, पैरेललोग्राम जिस तरह से होती है उस तरह से ये टेढ़ा हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप जो है वो शियर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने शियर जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस फाइंड करना हो, तो ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है। इसमें आप जो है वो ये डेफिनेशन आपके पास है जी, इसमें आप के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जितना शियर फाइंड करना चाहते हैं, और उनको बारी बारी आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरह से जिस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, और आप शियर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन देखा और शियर देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए, तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।